जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही मजेदार चीज सीखने वाले हैं आज हम लोग, और इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला ये दोनों प्रीपोजिशन है, यानी बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, और दोनों का मतलब आप जानते हैं, जैसा कि दोनों का मतलब होता है सामने, और सामने तो होता है पर इनका हम प्रयोग कहाँ पे करें, ये कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में हमेशा बना रहता है। हम इसका प्रयोग कहाँ पे करें, कहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करें और कहाँ पे किसका बिफोर का प्रयोग करें, ये चीजें हमको हमेशा परेशान की रहती हैं, क्योंकि जब पेपर में आ जाता है तो इसको हम समझ नहीं पाते हैं और हमको इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसमें भरना रहता है अथवा एरर के रूप में दे दिया जाता है, तो हम इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज का क्लास इसी पर आधारित है और आज जो है आप लोग इन दोनों के बीच का अंतर जो है बिल्कुल क्लियरली आप लोग समझ जाएंगे, कभी भी भविष्य में आपका ये गलत होने वाला अब नहीं है। तो चलिए देखते हैं, देयर आर डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ, यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको आज हम लोग समझेंगे। देखिए, बिफोर कब प्रयोग होता है, लिविंग थिंग्स के, यानी जब कोई वस्तु हमारे सामने हो और वो कैसी हो, लिविंग थिंग्स हो, यानी लिविंग थिंग्स के साथ में अगर हमको किसी का प्रयोग करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे। कोई जानदार चीज होगी उसके पास हमें अगर बिफोर, उसके पास हमें सामने की अंग्रेजी लगानी होगी तो हम क्या लगाएंगे, बिफोर। और नॉन लिविंग थिंग्स होगी यानी जिसमें जान ना हो, मतलब निर्जीव हो, सजीव के लिए हम बिफोर लगाएंगे, और निर्जीव रहेगा अगर कोई वस्तु, क्या रहेगी, निर्जीव रहेगी, तो उसके पास हम सामने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि, और दो कॉन्सेप्ट यही आप लोगों को समझ लेना है, बिफोर जो है सजीव के लिए लगता है और इन फ्रंट ऑफ आपका निर्जीव के लिए लगता है। ये आप समझ गए तो मामला खत्म, फिनिश हो गया सारा कुछ, इसका खेल खत्म आज यहीं पे, इसके बाद आपको कुछ समझना ही नहीं है। यानी सजीव के लिए बिफोर लगाना है, निर्जीव के लिए इन फ्रंट ऑफ, और दोनों की मीनिंग आप जानते ही हैं, होता है सामने। तो कुछ उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं और इनको देख लेते हैं, सारा कुछ आज यहीं पे समाप्त कर देते हैं, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का खेल ही आज खत्म। तो चलिए देखते हैं, करा ही वाज स्टैंडिंग माई हाउस। अब देखिए माई हाउस क्या है भैया, माई हाउस जो है समझ रहे हैं आप लोग क्या है, निर्जीव है। माई हाउस क्या है, मेरा घर क्या है, निर्जीव है, उसमें जान थोड़े ना है, तो निर्जीव है, निर्जीव है तो क्या लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ, तो लगा देते हैं भैया, कुछ सोचना ही नहीं है, इन फ्रंट ऑफ किसका प्रयोग कर दिए हम, इन फ्रंट ऑफ, ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, वह मेरे घर के सामने खड़ा हुआ था। क्लियर। अगला देखिए, राम इज गोइंग, राम जा रहा है, किसके सामने जा रहा, मेरे सामने, किसके सामने, मेरे सामने जा रहा है, तो मेरे सामने मतलब मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं तो सजीव हूं, तो सजीव हूं तो क्या लगाना है आपको, बिफोर, बिफोर क्या लगाना है आपको, बिफोर। तो राम इज गोइंग बिफोर मी, राम मेरे सामने से जा रहा है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, आज के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको कभी लाइफ में नहीं भूलने वाला है। तो चलिए देखते हैं अगला, एरा एन ओल्ड मैन वाज स्टैंडिंग, ये थोड़ा भैया अलग टाइप का है, ये क्या है, अलग टाइप का है, इसको विशेष अलग टाइप से अपवाद स्वरूप है, इसको अलग ध्यान में रखेंगे आप। जैसे देखिए, एन ओल्ड मैन वाज स्टैंडिंग, एक बुढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, कहां खड़ा हुआ था, बिफोर मी या इन फ्रंट ऑफ मी। देखिए यहां पे मी तो लगा है, मेरे सामने खड़ा हुआ था, पर कहां पे, लाइन में है, यहां पे मेरे सामने है पर क्या है, लाइन में है, तो लाइन में अगर रहेगा भैया तो हमको क्या लगाना है, ये अपवाद हो जाएगा, मेरे सामने तो है, इसका मतलब है कि क्या लगना चाहिए, बिफोर लगना चाहिए, सजीव के लिए क्या लगता है, बिफोर, पर यहां अगर कोई लाइन की बात आ जाएगी तो हम क्या लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ, क्या लगाएंगे, इन फ्रंट, अगर लाइन की बात आ गई भैया तो आप अलग भाग लीजिएगा, वहां से हट जाइएगा, आपका नियम वहां पे काम नहीं करेगा, लाइन की बात आ गई तो आप हट जाना है, तुरंत उल्टा कर देना है, यानी मी मेरे सामने तो खड़ा हुआ है,
पर लाइन में है, अगर लाइन में है तो इन फ्रंट आपका प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग नहीं करना है। ये थोड़ा हटके है, इसको अलग से हम याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। अगला देखिए, कह रहा है यू आर सीटिंग हिम, यू आर सीटिंग हिम, कह रहा तुम बैठे हुए हो और किसके सामने, हिम, हिम मीन्स उसके सामने, उसके मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कोई सजीव है, कोई व्यक्ति है। हिम किसके लिए आता है, सजीव के लिए आता, ऑब्जेक्ट है ही का, तो किसी के सामने बैठे हुए हो मतलब किसी व्यक्ति के सामने आप हो, इसलिए यहाँ पे आप क्या लगाना है, बिफोर। तो ये कॉन्सेप्ट आज आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, दिमाग में ठूस ठूस के भर गया कि अब ये भूलने वाला नहीं है। बिफोर हम लगाते हैं सजीव के लिए, इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं किसके लिए, निर्जीव के लिए। तो बहुत ही शानदार ढंग से हमने आपको बताया और आप लाइफ में अब शायद नहीं भूलेंगे, एक बार चला करके एक से दो बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको भूलने वाला नहीं है। मिलते हैं आप लोगों को किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।